के बाहर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। तो साल 2016 की भर्ती प्रक्रिया का मामला और इसके भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है और भारी संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी कर जता रहे हैं विरोध। तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है और 2016 की जो भर्ती प्रक्रिया है 12,460 पदों को लेकर के फिलहाल उसको लेकर के अब मांग तेज होती जा रही है। तो हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के अभ्यर्थियों का मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। तो भारी संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जो है 2016 से जो लंबित पड़ी हुई है उसको पूरी करना है। जो संदीप सिंह है बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन उन अभ्यर्थियों का जो भर्ती को लेकर के अपनी मांग कर रहे हैं और 2016 से जो रुकी हुई है फिलहाल उसको भर्ती को लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। तो भारी संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता सीमा नकवी से। सीमा, शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं क्योंकि 2016 से भर्ती को लेकर के फिलहाल मांगे हैं, अभी क्या स्थिति है? देखिए, बड़ा लंबे समय से ये अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इसमें भर्ती की जाए। 2016 की ये भर्ती है, इसमें 12,460 पदों पर भर्तियां होनी है और इसको लेकर काफी लंबे समय से ये जो अभ्यर्थी हैं ये आंदोलन कर रहे थे। आज इसी के चलते संदीप सिंह के आवास से पहुंच गए जैसे शिक्षा मंत्री हैं और वहां पर सुंदरकांड का पाठ किया इन अभ्यर्थियों ने। उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया और उनको इको गार्डन भेजा गया। जी सीमा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच आखिर इससे पहले भी कई बार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन आखिर पेच कहां पर फंसता नजर आ रहा है? इस पूरे मामले को लेकर जब पिछली सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी थे जैसी शिक्षा के, तो उनसे इन छात्रों छात्राओं ने कई बार मुलाकात की थी और उससे बात भी हुई थी। शासन स्तर पे बातें लंबित हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी कोई इन लोगों को आश्वासन नहीं मिल पाया है। और जब आश्वासन की बात कर रहे हैं कि आश्वासन दिया जाए, हम लोगों की भर्तियां की जाए, हम लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, तो इन सब चीजों को लेकर ये लगातार बिल्कुल अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की आगे अगला कदम क्या होगा।